রাজ্যে পার ক্যাপিটা আয় বেড়েছে বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদের পক্ষ থেকে এই দাবি গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল। এমনকি রাজ্যবাসীর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ভুল বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টাও কম হয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই দাবি যে তথ্য সমৃদ্ধতা প্রকাশ এল বুধবার। এদিন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দপ্তরের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ডাটা তুলে ধরা হয়েছে। মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যাবতীয় ডাটা তুলে ধরেন দপ্তরের সচিব জুবের আলী হাসমি ও অতিরিক্ত অধিকর্তা এ কে চন্দ। রাজ্যের ওভারঅল ডাটার পাশাপাশি রাজ্যের আটটি জেলার হিসেবও তুলে ধরা হয়েছে এই সাংবাদিক সম্মেলনে। कि हमारी स्टेट की या कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, जितना हायर साइड होगा भले ही गरीब अगर में हो पर है तो कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन रिफ्लेक्ट करेगी। पर जो माइक्रो एस्पेक्ट होता है उस पर हम इंटरनल इस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट पॉलिसी या प्रोग्राम या स्कीम इंटरव्यू करती है ताकि जो भी गरीब है उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। इस तरीके से जैसे किसानों का है, उनका एग्री सेंसस किया जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी देखी जाती है। मार्केट में जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं हम उसका भी प्राइस कलेक्शन करते हैं, देखते हैं कितने में चीजें बिक रही हैं, कितनी उनकी बिक्री होगी, कितना उसका बेसिक प्राइस होगा, उसकी भी स्टेटिस्टिक्स होती है और इंटरनल उसका भी असेसमेंट होता है। इस तरीके से डिस्पैरिटी भी मेजर करते हैं। सर, इज देयर एनी हाईएस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड स्टैटिस्टिक्स? जो हम एक्चुअली पहले तो ये एब्सोल्यूट माना जाता था कि आपने पर कैपिटा इनकम दे दी उससे पता चलता था कौन सा स्टेट रिच है और कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद और मॉडिफाइड किया गया तो परचेजिंग पावर पैरिटी से देखा गया कि ठीक है परचेजिंग कितनी उसकी पैरिटी कितना लोग परचेजिंग पावर कितनी किसकी है। फिर कंजम्पशन पर आ गया तो स्टेटिस्टिक्स तो रहता है कि हमारी जो हम स्टेटा बनाते हैं कि हमारी जैसे 100 ले लीजिए इतनी हमारी जो पॉपुलेशन है वो वेल ऑफ है, इसीलिए तो बनाते हैं कि ये एफ्लुएंट क्लास में आता है, दूसरा आता है किस क्लास में। जब अभी मान लीजिए आपने देखा होगा भारत सरकार ने सोशल और इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसको भी रिजर्वेशन देने की बात की, तो वो कहां से डेटा मिला हुआ है? डेटा डिपार्टमेंट से दिया गया है, सारे स्टेट के डिपार्टमेंट है, उन्होंने असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद डेटा दिया तो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो वो जो हम करते हैं इकोनॉमिक सेंसस करते हैं और जो सोशल सेंसस करते हैं इन दोनों को मिक्स करके उसका इंटरप्रिटेशन होता है और डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तो पता ही है तभी तो रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सारा देशर मत से